सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर YouTube चैनल, दिस इज निखिल फ्रॉम सोशल रफियन। आई एम ग्लैड कि आपको हमारा लास्ट वीडियो अच्छा लगा था जो कि स्टेकेशन पे था, एंड नाउ वी आर बैक टू आवर कोर जो कि है फूड ब्लॉगिंग। और हमने जैसे आपको बताया था कि हम क्वालिटी कंटेंट YouTube पे लाने वाले, एंड वही क्वालिटी कंटेंट के लिए आज हम आए हमारे फेवरेट रेस्टोरेंट में जो कि है विले पार्ले में। तो पहले हम वो रेस्टोरेंट का आपको ओवरव्यू देते हैं। सो बिफोर यू बिगन, मुझे एक बात बोलनी कि साउथ इंडियन फूड इज माई कम्फर्ट फूड, और जो मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट है तो दिल गार्डन गार्डन ही हो जाए। एंड उसके लिए हम आए हैं साउथ इंडियन रामीन कैफे में जो कि है विले पार्ले ईस्ट में। सो गाइस, जैसे मैंने आपको बोला था साउथ इंडियन फूड इज माय कंफर्ट फूड, और इसी वजह से मैंने मुंबई के ऑलमोस्ट सारे फेमस साउथ इंडियन रेस्टोरेंट कवर किए। एंड वही फेमस रेस्टोरेंट में से एक रेस्टोरेंट मैंने सिलेक्ट किया टू शूट दिस वीडियो। एंड रीजन मैंने रेस्टोरेंट सिलेक्ट किया क्योंकि यहाँ पे बहुत वैरायटी मिलेगी आपको, फैंसी से लेके ऑथेंटिक सब तरह का फूड यहाँ पे सर्व किया जाता है। एंड दैट्स द रीजन व्हाई आई लव दिस प्लेस। तो जैसे मैंने आपको बोला कि ये प्लेस में ऑथेंटिक फूड की कमी नहीं है, और वो ऑथेंटिक फूड को ठीक से एक्सप्लेन करने के लिए हम इस प्लेस के इंचार्ज को बुलाते हैं जिसका नाम है सुधीर, जो 15 साल से बैंगलोर में काम कर रहे हैं यही इंडस्ट्री में। सो ही विल एक्सप्लेन एवरी डिशेस की उसकी स्पेशलिटी क्या है, वो यहाँ पे कैसे इंप्लीमेंट हुए। तो सुधीर भाई प्लीज आप थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए कि कौन सी डिशेस क्या है। सर एक्चुअली मशरूम चिल्ली डोसा, ओके, अपना ये अपना काकड़ी डोसा, काकड़ी डोसा मतलब साउथ के डोसा बोलते हैं। इसमें खासियत क्या होते सर, थोड़ा से लाइट स्वीट आते हैं, और सेकंड चीज से पेट के लिए बहुत ठंडा रहता है सर। ये इडली चिली ड्राई सर, ये तो बहुत फेमस है, इडली चिली बहुत फेमस है। ये श्रीलंकन करी इडली, इसका क्या खासियत बोलोगे तो अपना जो कोकोनट होता है ना सर, उसको नारियल को निकल के उसका दूध निकल के बनाते हैं सर। ये घी पूरी बटन इडली बोलते हैं, प्योर देसी घी में बनाते हैं। इसमें थोड़ा मलगा पूरी और अपना व्हाइट तिल डाल के तड़का मार के बनाते हैं। ये अपना सबसे मेन सिग्नेचर आइटम है सर, घी मसाला ताट इडली बोलते हैं, हर जगह नहीं मिलते। ये स्पेशली बेंगलुरु का आइटम है सर। ये दावणगेरे बन्ने डोसा व्हाइट बटर में बनाते हैं, ये अपना इसका दावणगेरे के साथ में आलू का भाजी रहते हैं, बॉइल ऑनियन, उसका बन्ने डोसा का चटनी, बन्ने मतलब व्हाइट मक्खन रहता है सर। तो आप कितने टाइम से कर रहे हो ये सर? हम लोग का 15 साल हो गए इंडस्ट्री में सर। ये बेंगलुरु और अपना उड़पी का कॉम्बिनेशन लेके आया। हम लोग का मेन खासियत बोलेगा तो हमारा जो सांभर बनाते हैं स्पाइसी में रहते हैं, और चटनी फ्रेश बनाते हैं सर। नए नए आइटम अपना चालू करते रहते हैं, बस अभी बहुत सारा आइटम है सर। अभी तो मैंने आपको सिर्फ 5-6 आइटम बताया। सो लेट्स ट्राई विद एवरीथिंग, आपको ठीक से इन डिटेल रिव्यू देते हैं कि कौन सा फूड इनमें से अच्छा लगा, क्योंकि आई गेस आपने इतने ऑथेंटिक डिशेस खाई नहीं रहेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। सो पहले स्टार्ट करते हैं घी मसाला टाट इडली से। इसके ऊपर मलका पूड़ी डाला है, उसके वजह से एक अलग टेस्ट आता है, पहला वो देखते हैं। बहुत ही यूनिक टेस्ट है। नॉर्मली ऐसा इडली मैंने कभी खाया नहीं है, नॉर्मल रेस्टोरेंट में मिलता नहीं, ऐसे फैंसी रेस्टोरेंट में ही मिलता है, एंड इट्स नाइस, मच रिकमेंडेड। अगला डिश जो है ना उसको खाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, जो कि है काकड़ी डोसा। मैंने आज तक कभी काकड़ी डोसा ट्राई नहीं किया, तो लेट्स ट्राई द काकड़ी डोसा। काकड़ी से बनाया, काकड़ी का बैटर यूज किया, सो लेट्स सी हाउ डज इट टेस्ट। नॉर्मल डोसा ऐसा ही लग रहा है, सांभर में डिप करके देखते हैं। एक हल्का स्वीट फ्लेवर है इसमें, बट या इट्स समथिंग न्यू। एंड जैसे सुधीर भाई ने बोला कि इट्स हेल्प टू कीप योर गट शांत, तो या इट्स क्वाइट नाइस। तो आपने अब तक देखा रहेगा हमने सारे ऑथेंटिक डिशेस मंगाए साउथ इंडियन कैफे के। तो अभी हम जो सेट मंगा रहे हैं वो है फैंसी डिशेस जो मुंबई के सारे ऑडियंस को पसंद आते हैं, जिसमें चीज़ या पनीर या मंचूरियन ग्रेवी, वो सब डिशेस हमने ऑर्डर की। तो वो डिश बनने थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक आप इनके एम्बियंस देख लीजिए। तो जैसे आपने एम्बियंस देखा, बहुत ही अच्छा सटल एम्बियंस है। तो अभी हम बैठे इनके एसी सेक्शन में, और यहाँ पे हमने इनके फैंसी डिशेज ऑर्डर किए। जैसे ये है मटका डोसा। तो मटका डोसा में बेसिकली डोसा, उसके अंदर पनीर चिली का ग्रेवी रहता है। सेकंड इज दिलकुश डोसा, और हमने इनके जूसेस भी ऑर्डर किए, जो है वाटरमेलन, एंड सेकंड इज द फ्रेश लाइम सोडा। तो पहले हम इनके जो फैंसी है, जैसे उनके बेस्ट सेलिंग फैंसी डिशेस में से एक जो है वो मटका डोसा, वो ट्राई करके देखते हैं कि कैसा है। लेट्स ट्राई देयर डोसा। चीज देखो, एकदम भर भर के चीज है इसमें, पनीर की सब्जी एंड एवरीथिंग। लेट्स हैव इट। बहुत सही चीज़ एंड पनीर का भाजी एकदम ब्लेंड हुआ है मेरे हिसाब से। दिस इज माई फेवरेट फैंसी डोसा एवर।
तो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो गाइस। तो आपने देखा रहेगा हमने 8 से 10 डिशेज यहाँ पे ऑर्डर किए, तो उसमें फैंसी से लेकर ऑथेंटिक हर तरह के डिश ऑर्डर किए हमने, और उसका प्राइस रेंज जो है वो 60 रुपीज से लेकर 200 के बीच में ही है। सो हमारे हिसाब से परफेक्ट फैमिली रेस्टोरेंट है, विले पार्ले में इससे अच्छा साउथ इंडियन रेस्टोरेंट आपको नहीं मिलेगा। सो ऑन दैट नोट हमने इनके कुछ फेमस डिशेज या आपके भी फेवरेट जो डिशेज जो है पाइनएप्पल शीरा एंड आप वेरी बेस्ट फिल्टर कॉफी ऑर्डर किए। तो ये ख़त्म करके वीडियो एंड करते हैं, होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर अच्छा लगा रहेगा तो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताएं आपका फेवरेट साउथ इंडियन रेस्टोरेंट कौन सा है, एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, हम ऐसे ही न्यू वीडियो लेके आएंगे और एक मिक्स एंड मैच होगा स्टेकेशन का एंड रेस्टोरेंट का। सो स्टे ट्यून्ड विद अस।